Let's go, guys. Let's go. हम लोग स्टेडियम पे और यहाँ पे क्राउड गजब का है और मैन इन ब्लू बहुत सारे, ब्लू के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। Don't forget.
गुजरात गुजरात के बंदे ने लिए है, विकेट गया नहीं है, सीधू लिया है, एम्पायर को लाएगा। फ्लैट लाइन फ्लैट लाइन फ्लैट लाइन, कीप गोइंग कीप गोइंग। आएगा कोई बात नहीं, सेकंड बॉल पे कुछ नहीं कॉन्सेंट्रेट मैच। वहां पे अर्जित लोग बैठे स्टेडियम चिल्लाने लगा है, चीयर करने लगा है, फुल चार्ज अप हो गया पूरा स्टेडियम। वापिस बाबर आउट हुआ है 50 रन पे। इंडिया 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 इंडिया
बहुत स्लो खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों। रोहित भाऊ का विकेट जाने के बाद अभी केएल राहुल और श्रेयस है। अभी केएल राहुल 4 रन है उसके 10 बॉल में और श्रेयस के 48 पे 41, 25 ओवर हुई है। ओवर तो बहुत है अपने पास लेकिन अभी खत्म हो सकता है अपन से जल्दी। इंडिया ने बहुत आसानी से मैच जीत लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की ओर, लेकिन हम किसी का वेट कर रहे हैं पार्किंग जाने के लिए, तो वो लोग आ रहे हैं। यहाँ पे आप भीड़ देखिए, मैच कंप्लीट हो चुका है और इंडिया ने बहुत आसानी से जीत लिया है। मज़ा आया देखने में, अफसोस हुआ कि रोहित भाई का सेंचुरी नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, सुरेश का 50 हुआ। तो हम लोग आ चुके हैं घर पे मैच देखने के बाद और अभी हमारा नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो अहमदाबाद में यहाँ मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का, वो तो स्टे ट्यून्ड। और ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। बाय।